गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं, हमारे चैप्टर का नाम है पर्सन ऑफ द सेंचुरी। और ये पर्सन ऑफ द सेंचुरी कहा गया है अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज डिक्लेयर्ड पर्सन ऑफ द सेंचुरी। अल्बर्ट आइंस्टीन को डिक्लेयर किया गया था पर्सन ऑफ द सेंचुरी, यानी 100 सालों के सबसे महान व्यक्ति। और उन्हें डिक्लेयर किया था बाय टाइम मैगजीन। उन्हें पर्सन ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर किया था टाइम मैगजीन वालों ने। और टाइम मैगजीन वाले कौन है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्कुलेशन वीकली न्यूज मैगजीन। ये दुनिया की सबसे मशहूर, सबसे ज़्यादा बिकने वाली वीकली न्यूज मैगजीन है। जैसे न्यूज़पेपर हर दिन आता है, लेकिन कुछ मैगजीन ऐसे होते हैं जो कि वीकली पब्लिश होते हैं, यानी हफ्ते में एक बार पब्लिश किए जाते हैं। तो ऐसा ही एक मैगजीन है, और उस मैगजीन का नाम है द टाइम मैगजीन। ये यूएसए से पब्लिश होती है, और इस न्यूज़ मैगजीन के द्वारा अल्बर्ट आइंस्टीन को डिक्लेयर किया गया था पर्सन ऑफ द सेंचुरी। ही वॉज जर्मन बॉर्न फिजिसिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में जन्म लेने वाले एक फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि फिजिक्स के फील्ड में अपने रिसर्चेज करते हैं और डिस्कवरीज करते हैं, यानी फिजिक्स के जो साइंटिस्ट होते हैं, फिजिक्स का जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, दे आर कॉल्ड फिजिसिस्ट। एंड जर्मन बॉर्न मीन्स अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था जर्मनी में। एंड द मोस्ट नोटेबल एंड इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। और अल्बर्ट आइंस्टीन को सबसे ज़्यादा मानी हुई हस्ती, नोटेबल का मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल का मतलब जो दूसरों पे अपना काफ़ी प्रभाव रखता हो, जो पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, उसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। और वो इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन थे। कौन से सेंचुरी के? 20th सेंचुरी के। अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न टू ए ज्यूइश कपल इन उल्म ऑन मार्च 14, 1879। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था चौदह मार्च 1879 में, और उनका जन्म हुआ था उल्म नाम के शहर में। उल्म एक शहर है जर्मनी में। और उनके पेरेंट्स कौन थे? उनके पेरेंट्स ज्यूइश पीपल थे। ज्यूइस का मतलब जैसे अलग अलग रिलीजन होते हैं, वैसे ही एक रिलीजन होता है ज्यूज। ही इज नोन एज अ जीनियस ऑफ साइंस। आगे चल के यही अल्बर्ट आइंस्टीन मशहूर हुए थे जीनियस ऑफ साइंस के नाम से। दो ही वॉज अ स्लो इन लर्निंग हाउ टू स्पीक व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। हालांकि बचपन में जब वो बहुत छोटे थे, जब वो बोलना सीख रहे थे, तो कहा जाता है कि वह बहुत ही स्लो चाइल्ड थे, यानी बहुत ही धीमी गति से उनका विकास हो रहा था। ही वॉज रेबेलियस टुवर्ड्स ऑथोरिटी एंड हिज हेडमास्टर एक्सपेल्ड हिम फॉर दैट, सेइंग दैट ही वुड नेवर बी एन अचीवर इन लाइफ। फिर वो थोड़े बड़े हुए तो स्कूल में जाते थे, और स्कूल के जो रूल्स थे, वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन थे, वो अल्बर्ट आइंस्टीन को पसंद नहीं थे। उस रूल में क्या था? वो रूल भेदभाव से भरा हुआ था, यानी अलग अलग रिलीजन के लोगों के प्रति अलग अलग तरह की विचारधारा होती थी। तो इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन उसका विरोध करते थे, और उनके विरोध के कारण उनके स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें यह कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया कि वो अपनी लाइफ में कभी कुछ भी नहीं बन सकते। हिज स्लो वर्बल डेवलपमेंट मेड हिम क्यूरियस अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स सच एज स्पेस एंड टाइम। राइटर ने लिखा है कि उनकी जो बोलचाल की क्षमता का विकास था वो बहुत ही धीमा हुआ, तो वो बहुत ही कम बोल पाते थे, और ज़्यादा देर तक वो बोल भी नहीं सकते थे, यानी उनका कॉमन कम्युनिकेशन, जैसे बच्चे आपस में लगातार बोलते रहते हैं, वैसा नहीं था। तो जब उनका बोलना कम था तो उनका दिमाग काफ़ी तेज़ी से दुनिया के दूसरे फील्ड में काम कर रहा था। तो वे क्यूरियस हो गए स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में। स्पेस का मतलब आसमान में जो सारा कुछ हमें दिखता है, वहाँ क्या है एक्चुअली, या फिर
टाइम, आखिर टाइम कैसे मैनेज होता है, टाइम कैसे रन करता है, वक्त हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता रहता है, यानी ऐसी बातें जो कि पूरी दुनिया के लिए एक माइस्ट्री थी, उन सारी बातों में अल्बर्ट आइंस्टीन का इंटरेस्ट होने लगा। क्योंकि वो बोलते कम थे, उनके दोस्त कम थे, तो उनका टाइम और कहीं इंगेज नहीं होता था, तो बैठ के सोचते रहते थे, और उनके सोचने का फील्ड होता था स्पेस और टाइम। वेन ही वॉज 5, हिज फादर गेव हिम अ कंपास। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो उनके फादर ने उन्हें कंपास ला कर दिया। कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक निडल होता है, वो हमेशा नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा फिक्स होता है। चाहे आप उसे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, अपने घर में किसी भी कमरे में ले जाओ, वो जो निडल है ना, अपने आप घूम जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो उसके फादर ने, अल्बर्ट आइंस्टीन के फादर ने उन्हें खेलने के लिए एक कंपास ला दिया। एंड ही रिमेंड पॉन्डर्ड एंड पजल्ड ओवर द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और उस मैग्नेटिक कंपास के निडल की वजह से उनके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जानने की जो इच्छा उनके मन में जन्मी, वो समझो कि पूरे लाइफ उनके साथ रहे। वो हमेशा क्यूरियस रहे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि आखिर ये मैग्नेट कैसे काम करते हैं। कोई भी मैग्नेट अगर फ्रीली रख दिया जाए तो वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों घूम जाता है। इन्हीं से सारी बातों को वो पूरी लाइफ सोचते रहे और उनके ऊपर अपने रिसर्चेज करते रहे। बाय द एज ऑफ 16 ही रोट हिज फर्स्ट रिसर्च साइंस पेपर। जब वो सिर्फ 16 ईयर्स के थे, जब वो काफ़ी छोटे थे, 16 साल के थे, तब उन्होंने अपना पहला रिसर्च साइंस पेपर पब्लिश किया। ही ऑल्सो टुक म्यूजिक लेसन्स। साथ ही साथ वो म्यूजिक में भी इंटरेस्ट उनका काफ़ी ज़्यादा था, वो म्यूजिक भी सीखने जाते थे, प्लेइंग बोथ द वायलिन एंड पियानो। और वो वायलिन और पियानो दोनों बहुत ही अच्छी बजाते थे। ए पैसन दैट फॉलोड हिम इन टू एडल्टहुड। और उनका ये जो शौक था वायलिन और पियानो बजाने का, ये उनकी पूरी लाइफ उनके साथ रहा। वो हमेशा वायलिन और पियानो बजाना हमेशा पसंद करते थे। मूविंग फर्स्ट टू इटली देन टू स्विट्जरलैंड, द यंग प्रोडिगी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल इन 1896। पहले तो वो इटली गए, इटली से फिर स्विट्जरलैंड गए, और वहाँ के बाद ये जो छोटा जीनियस था, यानी उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन को छोटा जीनियस कहा जाता था, उम्र कम थी, तो उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया 1896 में। अलग अलग शहरों में जाके उन्होंने पढ़ाई की और आखिरकार उनका हाई स्कूल 1896 में कंप्लीट हुआ। इन 1905 व्हाइल वर्किंग एज अ पेटेंट क्लर्क इन बर्न स्विट्जरलैंड, आइंस्टीन हैड एनस मिराबिलिस, ए मिराकल ईयर। इसी तरह से काम करते हुए 1905 में, उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन नौकरी किया करते थे एक पेटेंट क्लर्क के रूप में स्विट्जरलैंड में, और वहीं रहते हुए, यानी 1905 में काम करते हुए, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोग कहने लगे कि 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए मिराकल ईयर बन गया, यानी उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द यंग फिजिसिस्ट ऑब्टेंड हिज डॉक्टरेट डिग्री एंड पब्लिश्ड फोर ऑफ हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्च पेपर इंक्लूडिंग द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 1905 वही साल था जिस साल अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की थी, और एक ही साल में उन्होंने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, और उसमें दुनिया का सबसे फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी शामिल था। दैट थ्योरी गेव एन इक्वेशन ई इक्वल्स टू MC² दैट अनलॉक द मैस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक साइंटिफिक फार्मूला निकाला था, वो फार्मूला ई इक्वल्स टू MC² के नाम से फेमस है, और इस फार्मूले ने तो समझो पूरी दुनिया में चमत्कार कर दिया और वैज्ञानिकों के लिए यूनिवर्स के स्टडी का नया रास्ता खोल दिया। 10 ईयर्स लेटर इन 1915 आइंस्टीन कंप्लीटेड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 10 साल के बाद 1950 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे रिसर्च करना कंप्लीट कर लिया। एंड इन 1921 ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। और 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के फील्ड में। और नोबेल प्राइज के बारे में मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये प्राइज
हर साल किसी को मिल ही जाए ये भी कोई जरूरी नहीं होता है। ये बहुत ही रेयर पर्सनालिटी को मिलता है और बहुत ही बड़े रिसर्च के कामों के लिए मिलता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को ये नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो पूरी दुनिया के इकलौते इंसान थे जो कि इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जा सके साइंस के फील्ड में। ये बहुत ही रेयर लोगों को मिलता है। कभी कभी फिजिक्स के फील्ड में 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद किसी एक इंसान को मिलता है। यानी हर साल कोई ऐसा इंसान पैदा भी नहीं हो पाता या कोई ऐसा काम कर भी नहीं पाता कि उसे नोबेल प्राइज़ दिया जा सके। सो नोबेल प्राइज मिलने के बाद कहा जाता है दैट लॉन्च्ड हिम टू इंटरनेशनल सुपर स्टारडम एंड हिज नेम बिकेम सिनोनिमस विथ जीनियस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और नोबेल प्राइज मिलने के बाद वो देखते देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गए अंतर्राष्ट्रीय रूप से। अंतर्राष्ट्रीय हम उसे बोलते हैं, इंटरनेशनल उसे बोलते हैं जो कि दुनिया के सारे देशों में बराबर से मशहूर हो। और समझो पूरी दुनिया में उनका नाम जीनियस के नाम से फेमस हो गया। वो अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस के सिनोनिम बन गए। दैट मीन्स अल्बर्ट आइंस्टीन मीन्स जीनियस एंड जीनियस मीन्स अल्बर्ट आइंस्टीन। आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस, सेड आइंस्टीन। आइंस्टीन कहा करते थे कि मैं कोई स्पेशल, मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बस मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। और साइंस के फील्ड में क्यूरियस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑटम ऑफ 1933। 1933 में अपना कंट्री जर्मनी छोड़ करके अल्बर्ट आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स चले गए एंड टुक अप रेसिडेंस इन प्रिंसटन। और वहाँ जाके प्रिंसटन नाम की जगह पे प्रिंसटन न्यू जर्सी में जा करके उन्होंने अपना रेसिडेंस बनाया एंड प्रोफेसरशिप एट द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। और वहाँ उन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया वहाँ के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइंस्टीन्स थ्योरी इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, डीवीडी प्लेयर्स एट्सेट्रा। अब हमारे चैप्टर के राइटर ने बहुत ही आसान शब्दों में बताया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उनके बहुत सारे थ्योरीज तो अभी क्लासिक्स में आप लोग समझ नहीं पाएंगे और मैं उन्हें एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो सारी खोज की थी, अगर वो सारे खोज नहीं होते तो डेवलपमेंट ऑफ टेलीविज़न भी नहीं हो पाता, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस भी नहीं होते और डीवीडी प्लेयर भी नहीं बन पाते। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो रिसर्च किए थे उनसे इन सारी चीज़ों को बनाने के रास्ते खुल गए थे। इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, अल्बर्ट आइंस्टीन की एक और बहुत ही फेमस स्लोगन है। वो कहते हैं इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमेजिनेशन पावर। नॉलेज इज लिमिटेड, क्योंकि नॉलेज तो लिमिटेड होता है लेकिन इमेजिनेशन पूरी दुनिया को अपने अंदर समा सकता है। और ये पूरी लाइफ अल्बर्ट आइंस्टीन इसी थ्योरी पे काम करते रह गए। उन्होंने इमेजिनेशन यानी नई चीज़ों के बारे में सोचना, इमेजिन करना क्या होता है, कैसे होता है, यही उनके सक्सेस का सेक्रेट था। बॉर्न इन जर्मनी एंड रेज्ड इन जिविस फेथ, आइंस्टीन स्ट्रांगली अपोज्ड इन जस्टिस ऑफ रेस एंड रिलीजन। जन्म तो हुआ था अल्बर्ट आइंस्टीन का जर्मनी में, जर्मनी जो कि रेसिज्म के लिए, भेदभाव के लिए, नस्लवाद के लिए बहुत ही फेमस था। और उनका जन्म हुआ था एक जेविस फैमिली में। जेविस फैमिली के ऊपर जर्मनी में बहुत सारे अत्याचार हुए थे। एडोल्फ हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एडोल्फ हिटलर ने बहुत सारे जेविस लोगों को कई तरह के कभी शूट करवा दिया, कभी डेथ चैम्बर में डाल दिया, कभी आइसोलेशन में डाल दिया, यानी बहुत सारे अत्याचार किया था, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ऐसे जिविस फेथ वाले फैमिली में जन्म लेने के बाद और जर्मनी जैसे कंट्री में जन्म लेने के बाद भी आइंस्टीन पूरी दुनिया, मतलब पूरी जिंदगी रिलीजन के खिलाफ रहे और रेसिज्म के खिलाफ रहे। मैनी पीपल हैड एज्यूम्ड दैट आइंस्टीन वॉज द क्रिएटर ऑफ एटोमिक बम, बट इट वॉज नॉट ट्रू। साथ ही साथ अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में दुनिया के बहुत सारे लोग शुरू शुरू में ऐसा मानते थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही एटम बम का आविष्कार किया, लेकिन ये गलत था। उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी और उस थ्योरी का मिसयूज करके और दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाया था। आफ्टर हिज डेथ ऑन अप्रैल 18, 1955 आइंस्टीन ब्रेन वॉज डोनेटेड टू द प्रिंसटन मेडिकल सेंटर।
अल्बर्ट आइंस्टीन का जब डेथ हो गया अप्रैल 18, 1955 में, उस समय वो 76 इयर्स के थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन को प्रिंसटन मेडिकल सेंटर के म्यूजियम में डोनेट कर दिया गया। टाइम मैगजीन रिकॉग्नाइज्ड आइंस्टीन एज पर्सन ऑफ सेंचुरी इन 1999, और उसके बाद 1999 में टाइम मैगजीन वाले ने आइंस्टीन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया। हालांकि ये उनके मरने के बाद हुआ, लेकिन फिर भी आखिरकार दुनिया ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया। जब वो जिंदा थे तब भी दुनिया उनकी कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, और जब उनकी मौत हो गई तो उनके मौत के लगभग 44 सालों के बाद टाइम्स मैगजीन वालों ने उन्हें पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया था। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन से रिलेटेड स्टोरी थी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे इन्फॉर्म करना, मैं फिर से उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।